इटली सीजनल और नॉन सीजनल पेपर हो रहे हैं जल्दी ओपन। बात करें इस बार आने वाले कोटा की, तो इस बार 60,000 से 1 लाख के बिटवीन कोटा आने के आइडियाज लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट निकल कर सामने नहीं आई है। इटली पेपर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, इसे फिल कैसे करना है, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सुलासक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। इटली सीजनल और नॉन सीजनल पेपर्स, 9 महीने वाले और 12 महीने वाले पेपर्स के लिए सभी एप्लीकेंट्स में बहुत एक्साइटमेंट है। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप एक्साइटमेंट में कोई भी गलत स्टेप ना ले लें जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में पछताना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं कि सीजनल और नॉन सीजनल पेपर्स किन एप्लीकेंट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जिनका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होता है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, बैंक स्टेटमेंट उनकी मैनेज नहीं होती है, ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा नहीं आती है, कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छे नहीं है, कोई स्पेशल स्किल नहीं है, और शेनिगन या यूरोप में आकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये भी फ्री नहीं होता है, इसमें भी फीसेस होती हैं, ऑफिशियल फीसेस होती हैं, बट फ्रेशर्स के लिए ये ऑप्शन अच्छी होती है। इटली सीजनल और नॉन सीजनल पेपर क्लियर होने में काफी लॉन्ग टाइम भी लग जाता है, सो ये पेपर उन्हीं एप्लीकेंट को फिल करने चाहिए जो कि वेट कर सकते हैं। इटली पेपर्स में कुछ स्किल्ड कैटेगरीज भी होती हैं, वही अनस्किल्ड में बात करें तो सीजनल पेपर में एग्रीकल्चर वर्क होता है। इसके बाद यहाँ पर डेयरी फार्म का काम आता है जिसको स्थाला भी बोल दिया जाता है, जिसमें दूध निकालना, ठीक है ना जी, एनिमल्स की जो है केयर करना। वही पैकेजिंग वर्क में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो है पैकेजिंग वर्क होता है, फूड प्रोसेसिंग और फैक्ट्रीज का काम, कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए भी इसमें कोटा आता है जिसमें टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियर के अलावा लेबर और हेल्पर जैसी जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट को भी इन पेपर्स में कंसीडर किया जाता है। अभी बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो जिन एप्लीकेंट्स ने इटली के पेपर्स के लिए अप्लाई करना है वो अपने इटली में रहने वाले ट्रस्टेड, भरोसे वाले, विश्वास वाले, जो उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और जानकार हैं, उनसे बात कर लें कि वो अपने एम्प्लायर या अपने मालिक से बात करके रख लें कि जब भी पेपर ओपन होते हैं तो उनको आपके पेपर अप्लाई करने हैं। इसकी जो फीसेस है वो आप पे कर देंगे। ऑफिशियल अगर बात करें जो फीसेस हैं वो आपको ऑब्वियसली पे करनी होंगी। अगर आप बोलेंगे कि आप इटली में आने के बाद काम करके पैसे पे करोगे तो कोई भी एम्प्लायर, स्पेशली हेल्पर कैटेगरी के लिए, तो बिल्कुल भी अपनी जेब से जो है आपकी फीस पे नहीं करेगा। अगर आप किसी एजेंट से पेपर अप्लाई करवा रहे हैं तो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो एजेंट को ना दे, क्योंकि पेपर अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ जीरोक्स कॉपी, मींस की पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा पेपर्स अप्लाई करते टाइम लाखों रुपया पे नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया एडवांस में पे कर दें। बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं ऐसे कि लोगों ने बड़ी बड़ी अमाउंट जो है एजेंट्स को दे रखी है, तो आप ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो मैक्सिमम जो है वो 50,000 से मैक्सिमम 1 लाख, 50,000 से लेके ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक भी आपको पे करना है। लेकिन यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, वो पर्सन आपका दोस्त, रिश्तेदार या जानकार चाहे हो, बट विश्वास वाला हो। अदरवाइज बहुत से लोग अपना पैसा, आपका पैसा लेने के बाद, ठीक है ना, पेपर अप्लाई नहीं करते हैं। सो ऐसे लोगों से बच के रहिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। जब भी कोई नेक्स्ट अपडेट इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से आती है साथ के साथ आपसे शेयर करेंगे। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।